आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो ये जो इंटेंस मैथ रिवीजन की क्लास रहने वाली है, ये आपका जो सीजीएल प्री चल रहा है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट रहने ही वाली है। साथ में जो आपका मेंस है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आपका चाहे सीएचएसएल का मेंस हो चाहे वो आपका सीजीएल का मेंस हो, इन दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स जो है सीएचएसएल मेंस है आपका, ठीक है, आपका सीपीओ मेंस है, आपका फिर सीजीएल भी आ जाएगा। आपको 2.5 महीने के आसपास का समय मिलता है तो फिर आपका सीजीएल मेंस भी आ जाएगा। तो अब आप, अगर आपका प्री खत्म हो चुका है तो आप मेंस के मॉक देना स्टार्ट कर दो। आप टेस्ट बुक पे भी इनके मॉक्स दे सकते हो। अगर आपको टेस्ट बुक का पास प्रो लेना हो, जब भी लेना पास प्रो लेना जिससे आप प्रीवियस ईयर पेपर एक्सेस कर पाओ। और सीपीओ में आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा देना देना, बाकी आप मॉक्स भी देना, ठीक है। तो अगर आपको टेस्ट बुक का पास प्रो लेना हो तो आप SHE के 12 करोड़ का यूज़ कर लेना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपका प्री खत्म हो चुका है तो आप किसी भी दिन का इंतजार मत करो, अब आप मेंस का मॉक देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे येलो कलर का एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। मैं मान लेता हूँ इसकी जो साइड्स है वह 12, 5 है, तो ये अपने आप 13 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो 12 वाली साइड है ना, इसको एक्सिस मान के मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूँ। जैसे मानो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ चारों तरफ। तो आपको दिख रहा है ये एक बन जा रहा है कोण। आपको ये बात समझना है, मैं रोटेट कर रहा हूँ और जो एरिया कवर हो रहा है रोटेट करने से वह एक कोण बना रहा है, ठीक है। मैं रोटेट कर रहा हूँ, मैं फोल्ड नहीं कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये आपका बन गया कोण। जब ये कोण बन गया तो आपको दिख रहा होगा ये जो स्लैंट हाइट है ये आपका 13 है, ये जो आपकी हाइट है वह आपकी 12 है, और जो आपका रेडियस है वह आपका 5 है। तो आपको रेडियस भी पता है, आपको हाइट भी पता है, आपको स्लैंट हाइट भी पता है, आपको सब कुछ पता है। तो आप यहाँ पे CSA भी निकाल सकते हो, आप TSA भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। बातें क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यही चीज़ मैं ना इस 5 वाली को एक्सिस मान के भी कर सकता था। अगर मैं आपको ब्लू कलर से दिखाऊं तो ये जो 5 वाला साइड है ना, इसको भी मैं एक्सिस मान के इसको पकड़ के रोटेट कर सकता था ऐसे। तो इस केस में आपका जो हाइट हो जाता वह 5 हो जाता, ये आपका कोण बन जाता, और आपका जो रेडियस है वो 12 हो जाता, और आपका जो ये है स्लैंट हाइट वो 13 ही रहता इस केस में भी। तो अब यहाँ पे भी आप कुछ भी निकाल सकते हो, TSA निकाल सकते हो, आप CSA निकाल सकते हो, आप यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। दोनों केस में आपको याद रखना वॉल्यूम डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रेडियस 12 है तो आप आर स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आप हाइट सॉरी यहाँ पे आपका रेडियस 5 है तो आप 5 का स्क्वायर करके इंटू 12 करोगे, तो दोनों केस में आपका वॉल्यूम डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको देखो। तो यहाँ पे ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आपका इक्विलेटर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो मैंने जो एल्टीट्यूड है इस एल्टीट्यूड के अगेंस्ट एक्सिस मान के इसको रोटेट कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक कागज है, ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल है ये एक कागज है, इसमें मैंने यहाँ पे एक स्टिक चिपका दी, जो ब्लू लाइन है वो मैंने एक स्टिक चिपका दी है, और इस स्टिक को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। तो जब घुमाऊंगा तो एक एरिया कवर हो जाएगा उससे, तो जो एरिया कवर होगा वह आपका एक कोण बनाएगा। तो जब ये कोण बनाएगा तो आपको दिख रहा होगा, पहली बात तो मैं अगर ये हाइट निकालना चाहूँ तो ये आपका 20 है, मतलब 400 हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका 100 है, घटा दोगे 300 का रूट, तो आपका ये हाइट है ये आपका 10√3 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ये जो कोण बनेगा, इसका जो हाइट है वह 10√3 है, इसका जो स्लैंट हाइट है वह 20 ही रहेगा, और जो इसका रेडियस है वह 10 ही रहेगा। अब आपको सब कुछ पता है, तो अब यहाँ पे आप CSA भी निकाल सकते हो, TSA भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो अब। तो यहाँ पे मैं कर रहा था रोटेट, लेकिन अब हम करेंगे फोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे फोल्ड। तो आप देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सेक्टर, ठीक है। सेक्टर में आपको दिख रहा है, ये आपको दिया है रेडियस 21, आपको एंगल दिया है 120, तो आप ये निकाल सकते हो कि नहीं? आप बिल्कुल निकाल सकते हो। ये आपका जो एल आएगा वह क्या आएगा, 120/360 × 2πr, 2πr, आर आपको दिया है 21, तो यहाँ से आपका एल निकल के आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल निकल के आ जाएगा आपका एल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चलो ऐसे ही रहने देता हूँ। अब आप ब्लू वाला कलर देखना से, तो जो ये वाला साइड है, ये वाला जो एज है और ये वाला जो एज है, इसको मैं ऐसे घुमा के, जैसे आप कोन नहीं बनाते हो वैसे, इसको घुमा के मैं इन दोनों को यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ, यहाँ पे चिपका, आप कहीं भी चिपका सकते हो ना, तो ये चिपका दिया। तो ये जो आपका है ना, जो आप ये 21 चिपकेगा ना, ये आपका स्लैंट हाइट का काम करेगा, देखो, क्योंकि स्लैंट पे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया पे कहीं पे है जहाँ पे आप चिपका रहे हो, ठीक है। तो ये आपका 21 जो रहेगा ये स्लैंट हाइट ही रहेगा, ठीक है। अब आप रेडियस कैसे निकालोगे, तो आपको पता है जो आपने ये फोल्ड किया है ना इसको, तो ये जो नीचे एल है ना, ये वाला चीज, ये जो पोर्शन है ये आपका नीचे ये बन जाएगा, ये
ये आप इमेजिन कर पा रहे हो इसको, आप सोचो ना ये कागज है, इसको आप फोल्ड कर रहे हो, तो आपको दिख रहा है जो नीचे वाला एरिया आ रहा है, जो बेस आ रहा है वो सिंपल ये एल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एल है ये है, तो आपको रेडियस निकालना हो, तो आपको पता है 2πr जो है ना, यहाँ पे जो 2πr है वह आपका एल के ही इक्वल है। ये जो है ना, ये आपका 2πr जो है वह आपका इस वाले एल के इक्वल है। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे तो रेडियस आपका इजीली आ जाएगा। देखो आप यहाँ से इसको कंपेयर कर दो तो आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका रेडियस आ चुका है, आपको एल पता है, यहाँ पे एल क्या है, एल आपका 21 है सिंपली एल, ठीक है। तो एल आपका 21 है, आप हाइट निकाल ही सकते हो, जब आपको आर पता है एल पता है तो आप एच निकाल सकते हो। एच क्या होगा आपका, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये आपका एच आ चुका है, आपको आर पता है, आपको एल पता है, आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप सी एस ए भी निकाल सकते हो, आप टी एस ए भी निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा एक बात और, चलो आप चलो एक बात ये भी समझ लो, अगर आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का, जैसे इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर दिया और आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, तो आपको ये सब माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। अरे यार ये आप इस पीस ऑफ पेपर से, चलो इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ, इस पीस ऑफ पेपर से आप ये बना रहे हो, तो जो इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा वो यही तो है, इस सेक्टर का जो एरिया है वही तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया है। तो अगर आपसे बोल दिया कि भाई इसको आप फोल्ड करके कोन बना दो और फिर आप इसका कवर्ड सरफेस एरिया बता दो, तो आप उसमें अलग केस नहीं निकालने लगोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका एरिया जो होगा वही इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस रेक्टेंगल को मैंने फोल्ड करके यहाँ पे सिलेंडर बना दिया और आपसे इस सिलेंडर का सी एस ए पूछ ले, तो भाई इस कागज से ही तो आपने ये बनाया है पूरा, तो ये जो इसका एरिया होगा वही तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा, समझ पा रहे हो ना ये चीज़। तो ये चीज़ है, तो इस केस में आपको बनाना है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि भाई ये रेक्टेंगल है और इसको मैंने बेस, ये जो बेस है ना, इसको मैंने टच करके, इसके जो बेस के साइड्स हैं उनको टच करके मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया, तो आपको दिख रहा होगा अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो है ना, ये आपका ये एल है, एल ये चीज़ है। तो अगर ये टच हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये जो है ना, ये आपका एल है बेसिकली, एल लेंथ है। तो इसको आप 2πr के इक्वल कर दोगे क्योंकि सरकमफ्रेंस ही तो है, तो आप यहाँ से आर निकाल सकते हो, आर आपका ये आ गया रेडियस, आपका रेडियस ही आ चुका है, और जो आपका बेस है, यहाँ पे जो बेस है वही आपका हाइट है, यहाँ पे इस केस में आपका ये हाइट है, तो बी आपका हाइट है। तो आपको हाइट पता है बी, आपको रेडियस पता है आपका आर, आर की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप इसका सी एस ए निकालेंगे तो जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई सी एस ए तो यही होगा, तो आप डायरेक्ट इसी का निकाल देना सी एस ए। आपसे टी एस ए पूछ सकता है, तो आपको आर पता है तो आप 2πr² ऐड कर सकते हो उसमें। आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है तो आप वॉल्यूम भी निकाल लोगे, क्योंकि πr² एच होता है, आपको आर भी पता है, आपको हाइट भी पता है, ठीक है। तो इस तरह से फोल्डिंग हो सकती है, तो आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला रिकॉल करते हैं, ठीक है। जैसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1+2+3+ ऐसे एन तक, इसका सम क्या होगा, इसका सम होता है n(n+1)/2, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब 1² + 2² + 3² + ऐसे n² तक का सम क्या होगा, तो ये आपका n(n+1)/2n+1)/6 होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का बता दो, तो सिंपल 6 × 7 × 13/6, तो आपका 91 आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब 1³ + 2³ + 3³ ऐसे आपका एन के क्यूब तक का सम क्या होगा, n(n+1)/2² ये होता है आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज 70 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट इज 30, तो हमें बताना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको टोटल का एवरेज या सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज दिया हो, और इस टोटल में से कुछ हिस्से का आपको परसेंटेज या एवरेज दिया हो या सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, और बचे हुए हिस्से का आपको एवरेज या परसेंटेज या सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, ऐसे केस में हमें हमेशा क्या लगाते हैं, हम हमेशा एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल बच्चों का दिया है कि एवरेज 50 है टोटल बच्चों का, अब इस टोटल में से कुछ बच्चे पास हुए होंगे और बचे हुए फेल हुए होंगे, ठीक है। तो जितने बच्चे पास हुए हैं उनका एवरेज है 70, जो बच्चे फेल हुए हैं उनका एवरेज है 30, तो अब आप एलिगेशन लगा दो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 और 20, मतलब 1:1, तो जो बच्चे पास हैं जो बच्चे फेल होंगे जो रेशियो है वो 1:1 का है, तो मतलब बराबर बराबर है। तो 120 बच्चे अगर हैं तो आपके 60 पास हुए होंगे और आपके 60 फेल हुए होंगे। वैसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जब भी आपको जो टोटल एवरेज दिया हो
वह अगर मिड पॉइंट है, जैसे आपको दिख रहा है 70 और 30 का मिड पॉइंट है, मतलब बच्चे बराबर बराबर हैं दोनों साइड में, ठीक है, तो जितने बच्चे आपके फेल हैं उतने बच्चे ही आपके पास हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है कि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू m है और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू n है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। मैंने आपको बार बार बताया कि आपको तीन तरीके से चीजें दिख सकते हैं, कैसे कैसे आपको दिख सकता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू आपको दिख सकता है ए है, और आपसे पूछ सकता है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू बता दो ना, मतलब ऐसा ही कुछ दिखेगा। या तो आपको कह सकता है कि भाई sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 5 है, तो आप मुझे बता दो sin थीटा की वैल्यू, ऐसे पूछ सकता है कि sin थीटा की वैल्यू बता दो। या आपसे ये भी कह सकता था कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 5 है, तो भी आपसे पूछ सकता है कि भाई sin थीटा बता दो या cos थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। या आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू आपको दिया है 7, तो आप मुझे यहाँ पे किसी की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू बता दो, ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है, और यहाँ पे जो चीज़ करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब भी आपको ऐसा दिखे ना, तो आपको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देना है बस। तो जब आप स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस स्क्वायर, सी मतलब कॉस है, एस मतलब साइन है, और यहाँ पे प्लस टू ए बी साइन थीटा। टू ए बी क्या है, टू ए बी क्या है, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा है कि नहीं, उसको मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आपको अभी दिखा दूंगा। और अगर मैं इधर स्क्वायर और ऐड करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस टू ए बी साइन थीटा है, यहाँ पे माइनस टू ए बी साइन थीटा है, वो चला जाएगा। तो आपका बचेगा सिर्फ इतना ही जो मैंने लिखा है, यही सिर्फ बचेगा। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें एकदम क्लियर होगी कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर दिख रहा होगा, तो अंदर क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बचा, जो कि 1 होता है, तो मतलब सिंपल आपका ए स्क्वायर ही बचा है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन लूँ, तो आपका देखो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो सिंपल आपका बी स्क्वायर ही बचा है, इक्वल टू आपका क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आ चुका है, आपका ये वाला आंसर करेक्ट आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, आगे देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया, जैसे आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दिया है, मतलब s माइनस t की वैल्यू आपको x बाई वाई दिया है, तो आपको पता है x प्लस t की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई x। कैसे हो जाएगी बताना पड़ेगा क्या, चलो बता दे रहा हूँ। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो s माइनस t s प्लस t आपका क्या हो गया, ये आपका 1 आ चुका है। तो अगर मुझे मान लो इसकी वैल्यू दिया है 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई 5 हो जाएगा, तभी तो भाई 1 आ रहा है, समझ गए। तो ऐसे मैंने किया, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आप समझ जाओ कि कॉसेक लिखा है, एक कॉट लिखा है, इसकी वैल्यू 2 दिया है, तो आपको पता है कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे भी तो एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो होता है। तो यहाँ से आपको दिख गया ये आपका कॉट है, ठीक है, ये आपका कॉसेक है। तो अब यहाँ पे आप ऐड कर दो, जैसे अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, तो आपका टी से टी चला जाएगा, ये आपका 2s है, तो s मैं 2 को उधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स है, तो आपका क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और ये जो 2 है यहाँ पे 2s, इसको मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, तो ये आपका 2, ये आपका एक्स वाई है, ठीक है। तो ये आपका sec थीटा आ चुका है, ये आपका sec थीटा, मैं आपको डायरेक्ट मतलब अच्छे से लिख दे रहा हूँ, जैसे आपको कन्फ्यूज ना हो, ये आपका sec थीटा है, sec थीटा है। मैंने आपको एक ट्रिपलेट भी याद कराया था कि ट्रिपलेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी वाली साइड ये होती है। ऐसे ही पी स्क्वायर प्लस 1, 2p, पी स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या होता है, ट्रिपलेट, जिसमें सबसे बड़ी वाली साइड ये होती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये sec थीटा, मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका क्या है, ये आपका है बेस, तो परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ये ट्रिपलेट मुझे याद होना चाहिए, तो आपका परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, या आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई यहाँ पे जैसे आप एक्स को ट्रीट कर रहे हो, वैसे आप वाई को भी तो ट्रीट कर सकते हो, और इस वाई को एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो मुझे यहाँ पे क्या पूछा, मुझे यहाँ पे साइन थीटा पूछा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको कहीं दिख रहा है क्या, आपको ये दिख रहा है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करो या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो, कोई बात, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्यों, अरे यार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये देखो, मैं आपको ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक्स की जगह वाई लिख दो, वाई की जगह एक्स लिख दो, तो आपका यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो बात वही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो ये वाला, तो अगर मुझे ये बताना हो तो आपको ये आपका दोनों को ऐड कर दो, तो आपका टू कॉसेक थीटा, मतलब आप कॉसेक थीटा ही लिखो सिर्फ, क्या आ जाएगा, 2 + 1/2 और इसका आधा, क्योंकि ये जो 2 यहाँ पे, इसको मैंने नीचे भेज दिया, तो आपका क्या आ रहा है, आपका आ जा रहा है, आपसे पूछा क्या, आपसे कॉसेक थीटा ही पूछा है,
तो यहाँ पे आपका 5/4 आ जा रहा है कि नहीं, तो आपका 5/4 आ जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो आपको ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये जनरली आपको याद नहीं रहता, क्योंकि इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जनरली आपसे टकराते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। साथ में आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को देख के आप ये मत डर जाना कि इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आप ये समझ लो कि इसका जो मैं लास्ट में 20% सॉल्व करूंगा ना, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये समझ सकते हो बस, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपका लेवल थोड़ा सा अप हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखो इसकी वैल्यू दिया है, मतलब आपको इसकी वैल्यू दिया है, ठीक है। साथ में आपको इसकी वैल्यू दिया है, मतलब आपको इसकी वैल्यू दिया है, तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। तो आपको इसकी वैल्यू दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपको दिया है 21/4। और आपको मतलब इसकी वैल्यू समझ लो आपको 21/4 दिया, और इसकी वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 16 × 17 कितना होता है 160 प्लस 112 मतलब 272 प्लस 273/16 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको 273/16 दिया है, तो इससे आप डिवाइड कर दो ना इसको, तो आपको इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। मतलब 272/16 को मैं 21/16 से डिवाइड कर दूँ तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ये 4 था, ठीक है। तो आपका ये 4 बार चला जाएगा, ये आपका कितने बार चलाएगा 21 ये 273 है, तो आपका तियाई तो आपका 13/4 आ जा रहा है, इसकी वैल्यू आपकी 13/4 आ जा रही है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका 2x² प्लस y² की वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 34/4 मतलब 17/2। तो 17/2 के आप इस दो को उधर भेज दो तो आपका 17/4 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूँ, इस पूरे को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका -2xy की जो वैल्यू आ जाएगी वह आपकी आ जाएगी 8/4 मतलब 2। भाई आप देखो ना यहाँ पे क्या आ जाएगी 8/4 मतलब 2, और इस 2 से वो 2 भी चला जाएगा, तो आपका सिंपल -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी आप उधर भेज दो तो आपका सॉरी -1 आ जाएगा, ठीक है। अरे यार देखो 8/4 मतलब 2 ही तो है, 2 से 2 चला गया और माइनस इधर भेज दो आपका माइनस नहीं तो बचा, ठीक है, आपका -1 आ जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे किसकी सबकी वैल्यू पता है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है और आपको एक्स वाई की वैल्यू पता है। तो अगर मैं आपसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा, अरे इसका स्क्वायर कर दो अगर, या उधर रूट कर देना सिंपल, तो ये आपका एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का रूट ही तो होता है, ठीक है। अगर एक्स माइनस वाई पूछूं तो ये क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ही तो होता है। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पता है और आपको एक्स वाई भी पता है, तो जब आपको सब कुछ पता है तो आप एक्स प्लस वाई भी निकाल सकते हो, आप एक्स माइनस वाई भी निकाल सकते हो। आप ये स्टेप्स जरूर यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमसे एक्स माइनस वाई पूछा, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 17/4 माइनस 2xy मतलब प्लस 2, तो आपका 8 हो गया ये, और 17 × 8 = 25 मतलब 5/2 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ये जो यहाँ से मैंने स्टेप्स लिखा है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर इतना एंड इतना, ठीक है। तो हमें बताना है कितने सच पेयर्स पॉसिबल हैं। तो आपको पता होगा अगर HCF इतना है तो दोनों नंबर आपका 51x और मतलब 51 के ही मल्टीपल होंगे, मैंने मान लिया 51x और 51y है। तो आपको पता है कि LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है, या आप कह लो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किया, ये किसके बराबर होता है, ये आपका LCM इंटू HCF के बराबर होता है, ठीक है। देखो आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ कि आपको HCF 51 दिया है, तो जो दोनों नंबर होंगे वह आपके 51 के मल्टीपल ही होंगे। तो मैंने मान लिया 51x और ये 51y, ये आपके दोनों नंबर है, और जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है वह आपका LCM इंटू HCF होता है। तो यहाँ से आपका 51 से 51 चला गया, आपका यहाँ से 51 से ये आपका 30 चला गया, तो आपकी XY की वैल्यू 30 आ चुकी है। अब आपको XY की ऐसी को प्राइम पेयर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 30 है। मैंने क्या बोला, को प्राइम पेयर्स, ठीक है। और अगर आपका 1, 2 आ रहा है और 2, 1 आ रहा है तो ये एक ही पेयर है, ये आपको अलग अलग पेयर कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ 20-30 नंबर है या मैं बोलूँ 30-20 नंबर, तो बात तो एक ही हुई ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। को प्राइम पेयर क्या होता है, को प्राइम जिनका जिनका HCF 1 होता है,
या आप ये कह सकते हो जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वह वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं एक और तीस को लूँ तो आपको दिख रहा है इसका जो एच सी एफ है वो वन है, या आप कह सकते हो एक और तीस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं दो पंद्रह लेता तो भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आप कोई वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो क्या? नहीं। अगर मैं लूँ छः और पाँच तो भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई ऐसा पेयर पॉसिबल है क्या? है। तीन और दस है, ये भी है। और है क्या कोई? मैं वैसे मुझे लाइन से लिखना चाहता ना, मैं ऐसे फर्जी तरीके से लिखा, मुझे थोड़ा लाइन से लिखना चाहता सिस्टमेटिक। तीन दस, चार के साथ कुछ नहीं बनेगा, पाँच के साथ आपका बनेगा ये छः, और फिर आपका छः के साथ पाँच बनेगा, तो अब देखो आपका रिपीट होने लगेगा, तो आपको यहाँ तक लेना, तो आपके चार पेयर ही पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ भाई, आपसे पूछा है अगर एक्स की वैल्यू 11 है तो आप बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको एक बात दिख रहा होगा कि अगर एक्स की वैल्यू 11 है तो ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं? बिल्कुल है। ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं? बिल्कुल है। ये 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। ये आपका 11 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल है। ये भी आपका 11 का मल्टीपल होगा। भाई ये 11 है ना एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 11 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी 11 की मल्टीपल है, उससे एक कम वैल्यू आनी चाहिए। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल माइनस वन आएगा, यही तो आएगा। तो आप ऑप्शन से देख लो एक बार, तो आपको दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल माइनस वन है, ये आपका 11 का मल्टीपल माइनस तीन है, ये आपका 11 का मल्टीपल माइनस दो है, ये आपका 11 का मल्टीपल 22, 22 माइनस कितना है? आठ है। तो आपको दिख रहा है एक ही ऑप्शन आपका पॉसिबल है, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है कि राइस वर्थ रुपीज 126 पर केजी एंड 135 पर केजी आर मिक्स्ड विद थर्ड वेरायटी, मतलब ये पहली वैरायटी है, दूसरी वैरायटी, इसको मैं तीसरी वैरायटी से मिलाता हूँ किस रेशियो में? 1:1:2। जब भी हम 1:1:2 में मिलाते हैं, तो आप ये मान लिया करो कि 1 किलो मैंने इसको मिलाया है, 1 किलो मैंने इसको मिलाया है, 2 किलो मैंने इसको मिलाया है, जो मिक्सचर है उसका जो प्राइस है 153 है। तो आपने क्या किया, आपने इसको 1 किलो मिलाया है, इसको भी 1 किलो मिलाया है, थर्ड वैरायटी का मैं मान लेता हूँ प्राइस एक्स है, तो इसको आपने 2 किलो मिलाया है, तो 126 प्लस 135 प्लस 2x, और आपने टोटल 4 किलो ही तो मिलाया है भाई, 1 किलो इसका, 1 किलो इसका, 2 किलो इसका, तो आपने टोटल 4 kg ही मिलाया है। इसकी वैल्यू जो आपकी आ रही है 153, तो आप एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, आप निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3.5 आवर्स। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालना चाहूँ तो आपका सिंपल 56/3.5 आ जाएगा कि नहीं, ये हटा के ये कर दूँ, ये आपका 5 बार गया था 7 से, ये आपका 8 बार गया था, तो ये आपका 16 आ जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड 16 आ चुकी है। ऐसे अगर मैं, ठीक है, बाकी कुछ बातें दी हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो ये है आपकी अप स्ट्रीम स्पीड, ये है आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। आपको पता है अप स्ट्रीम स्पीड कम होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बोट की स्पीड ऐड होती है, इसमें बोट की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। इसका जो मिड पॉइंट होता है ये आपका होता है स्पीड ऑफ बोट, मैं डायरेक्ट बी लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, ये इसका मिड पॉइंट जो होता है स्पीड ऑफ बोट होता है। इस बोट में अगर मैं आर को ऐड कर दूँ तो आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड पर पहुँच जाओगे, इसमें से मैं आर को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो आप अप स्ट्रीम की स्पीड पर पहुँच जाओगे। तो आपको एक बात समझ रहा होगा कि अगर मुझसे बोट की स्पीड पूछे तो सिंपल मैं यू प्लस डी बाई टू कर दूंगा, अगर मुझसे, ये बोट की स्पीड है, अगर मुझसे स्ट्रीम की स्पीड पूछे तो आपको दिख रहा है ये 2r है, ये 2r है क्या? ये बेसिकली आपका d माइनस यू है, तो d माइनस यू का आधा कर दूंगा तो मैं रिवर की स्पीड पर पहुंच जाऊंगा, समझ गए कि नहीं? अगर मुझे बोट की स्पीड चाहिए तो इन दोनों का एवरेज ले लूंगा, मतलब डी प्लस यू बाई टू कर दूंगा, अगर मुझे रिवर की स्पीड चाहिए तो डी माइनस यू बाई टू कर दूंगा। ये बातें बेसिक है, मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा चीज़ें। अब आपसे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना। तो आपको दिया ये बोट की स्पीड है, ये रिवर की स्पीड है, मतलब जो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो 4 होगी, जो आपकी अप स्ट्रीम स्पीड होगी वो आपकी 2 होगी। भाई 3-1 ही तो करोगे, और यहाँ पे 3+1 करोगे, तो इस 4 की वैल्यू आपको 16 दिया है, तो इसकी वैल्यू आपको दिख रहा है 8 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि इतना किलोमीटर वह डाउन स्ट्रीम जाने में, अच्छा यहाँ पे तो यार कुछ मतलब नहीं था फिर अप स्ट्रीम निकालने का, हाँ डाउन स्ट्रीम, हाँ तो यार तो फिर बिल्कुल आसान है, हल्की बात है, तो 16 से कर दो डिवाइड, 16 2 32 96, 16 6 96 होता है 2.6 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे जनरली अप स्ट्रीम का पूछता है इस केस में ना, मैंने फालतू में सब ज्ञान बताया, वैसे ये सब ज्ञान तो आपको याद होना चाहिए, ये तो मैंने ऐसे बताया था,
ठीक है। बाकी ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, आप अपस्ट्रीम किस भी ऐसे निकाल सकते हो। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई अपस्ट्रीम, मान लो आपसे पूछ लिया कि 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में वो कितना समय लगाएगा, तो भाई 64/8 8 घंटा लगाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो बस आपका चीज़ें खत्म हो जाए, कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ फिर से। अगर मैं बोलूँ आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, तो आपका होता है d²-r - r² होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, तो आप बताओगे d²-r + r² होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ दो सर्कल ऐसे हैं तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट्स हैं, आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और 4 कॉमन टेंजेंट हैं, 4। ठीक है, अगर दो फिगर एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली तो कितने कॉमन टेंजेंट है आपको दिख रहा है, 1 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट और 3 कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट। अगर 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 इंटरनली टच कर रहा है, मान लो ऐसे दो सर्कल, तो 1 कॉमन टेंजेंट। अगर इंटरनली टच नहीं कर रहा है तो 1 भी कॉमन टेंजेंट नहीं है। ये सारे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, मैंने आपको बता रखा है पहली वाले ही IIMR में जो अभी मैं रिसेंट में करा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो आपको 4-5 फॉर्मूले याद आने चाहिए जो मैंने आपको बता रखे हैं। मैं अगर बोलूँ कि एवरेज स्पीड आप बता दो, एवरेज स्पीड टू इक्वल डिस्टेंस के लिए, तो आप क्या बताओगे, 2s1s2/s1+s2। 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए अगर मैं पूछ लूँ तो आप बताओगे 3s1s2s3/s1s2+s2s3+s3s1। ठीक है, हाँ ये चीज। तो बस हो गया, 3 के लिए याद करो, 4 के लिए मैंने आपको बताया था, आपका ऐसा ही 4 के लिए भी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से एक ए पॉइंट से, मतलब सॉरी ए जो है वह यहाँ से एस ए स्पीड से जा रहा है, यहाँ से बी जो है एस बी स्पीड से आ रहा है, ये यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे मिलने के बाद जो ए है यहाँ तक जाने में टी ए टाइम लेता है, और यहाँ पे जब ये मिला बी तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पे टी बी टाइम लेता है। तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि एस ए अपॉन एस बी जो होता है वह रूट ऑफ टी बी अपॉन टी ए होता है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि विद स्टॉपेज एंड विदाउट स्टॉपेज, तो मैंने आपको बताया था कि वो पूछता है कि एक घंटे में कितने टाइम कितने मिनट्स के लिए रुका, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि विद स्टॉपेज जो स्पीड है उसकी मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है, विदाउट स्टॉपेज उसकी स्पीड जो है वह 70 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है कि एक घंटे में ये कितने देरी रुकेगा। तो मैंने आपको बताया था इसका जो गैप होता है, गैप 20/नॉर्मल स्पीड, मतलब विदाउट स्टॉपेज स्पीड 70, और ये इतने घंटे के लिए रुका है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मिनट निकल के आ जाएगा कि एक घंटे में वो कितना रुक रहा है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, और भी कोई फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले अभी आप याद रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? भाई सक्सेसिव इंक्रीज मतलब अगर किसी नंबर को मैं x परसेंट इंक्रीज करूं और फिर उस नंबर को मैं y परसेंट इंक्रीज कर दूं, तो वह आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। तो इतना परसेंटेज वह इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब x परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ और y परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ, या किसी नंबर को मैं x परसेंट घटा रहा हूँ फिर y परसेंट घटा रहा हूँ, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका x+y - xy/100 होता है। ऐसा क्यों होता है, इतना परसेंटेज वो डिक्रीज करेगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इंक्रीज करो तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जब यहाँ पे डिक्रीज करो तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है। तो आप एक बार करो, यही सेम फॉर्मूला लगाना है, तो आपका माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह मैं माइनस एक्स लिख रहा हूँ, वाई की जगह मैं माइनस वाई लिख रहा हूँ, प्लस माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक है, अपॉन हंड्रेड। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड आ रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो आपका x+y - xy/100 आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो ये जो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये जो माइनस साइन है ये आपका डिक्रीज को शो कर रहा है बस। ठीक है, बाकी इसमें कुछ फर्क नहीं है। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि आप x परसेंट इंक्रीज कर रहे हो और y परसेंट आप डिक्रीज कर रहे हो, तो आपको सेम यही फॉर्मूला लगाना है, कैसे, x परसेंट आपने इंक्रीज किया, y परसेंट डिक्रीज किया, प्लस आप क्या करते हो एक्स वाई, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, क्योंकि आपका x क्या है, y क्या है, आपका माइनस है, तो आपका xy/100 ये आपका आ जाएगा। अगर आप x परसेंट इंक्रीज करो y परसेंट डिक्रीज करो तो नेट जो चेंज आएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच, बता देना आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो क्लास है ये प्री वालों के लिए तो यूज़फुल है ही, साथ में मेंस वालों के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि आपने देखा कि मैंने आपको कितने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बताए हैं।
ठीक है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैंने आपको रिवाइज़ कराई, जैसे आपका, जैसे आपको ये क्वेश्चन हो गया बढ़िया है, आपको ये चीज़ मैंने रिवाइज़ कराया है, ये चीज़ लोग भूल जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैंने रिवाइज़ कराई, चीज़ लोग भूल जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ लोग भूल जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहती कभी कभी, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से ये आपको हो सकता है कुछ फॉर्मूला आप भूल गए हो, तो ये चीज़ बढ़िया चीज़ बताई मैंने, तो ये मेंस के लिए भी यूज़फुल रहने वाला है, तो इस वजह से जो मेंस की तैयारी जिनका प्री हो चुका है वो भी देखे, जिनका प्री नहीं हुआ है वो भी देखे, दोनों लोग के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।